सवाल है कि अभी जो मार्केट में जो बढ़त है, इट इज ड्यू टू म्यूचुअल फंड हाउसेस आर बाइंग शेयर, इसलिए है कि अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है इसलिए। नहीं, ये इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं हो रही है, बल्कि इकोनॉमी, मुझे लगता है कि इसके पीछे दो कारण है। एक तो कि म्यूचुअल फंड निवेशकों ने पैसा निकाला नहीं है, उसका ये नतीजा है। विदेशी निवेशकों ने झटके में एक साथ बहुत सारा पैसा निकाला था और अब वो धीरे धीरे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला नहीं है और थोड़ा बहुत पैसा जो SIP का बिल्ड हुआ था, करीब 8,500-9,000 करोड़ रुपए जो महीने में आता है, वो आना जारी है। तो पैसा अगर निकला नहीं और वो पैसा आना जारी है, तो ये वो एक दूसरा कारण है मुझे लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये हाहाकार मचा रहेगा और वहां पे लोगों को थोड़ी उम्मीद बंद गई है कि कभी ना कभी ये सब ठीक हो जाएगा। अब लोगों में होप आ गया है और वो होप मुझे लगता है कि बाजार के लोगों में ज्यादा आया है, और बाजार से मतलब स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के लोगों में और इन्वेस्टर्स में ज्यादा आया है, और असल इकोनॉमी में और जो हमारे चारों तरफ दिखता है वहां पे अभी उतनी वैसी उत्साह नहीं दिख रही है जितनी बाजार में दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बाजार में गिरावट आएगी जब लोग देखेंगे कि, और अलग अलग कंपनियों पे, अलग अलग सेक्टर्स पे इसका अलग असर दिखेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे सब रफ्तार काफी तेजी से वो सब चीज नॉर्मल हो जाएगा जब हमारी ये हेल्थ की स्थिति ठीक हो जाती है। बहुत सारी कंपनियों में बहुत समय लगेगा और बहुत सारी कंपनियों में हो सकता है कि एक परमानेंट उसका इसका असर दिखे कि अनिश्चितता ही नहीं रहे, उन कंपनियों के भविष्य पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि अब ये कभी भी क्योंकि बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जहां पे अगर आपके 15-20% ग्राहक अगर जो बहुत सालों में बिल्ड हुए थे वो हमेशा के लिए अगर गायब हो जाते हैं, तो उस बिजनेस को 70-80% मार्केट को एड्रेस करके अपने एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर में वायबल होने में बड़ी समस्या होगी, तो शायद वो कभी मुनाफा नहीं बना पाए। तो स्टॉक मार्केट के नजरिए से या इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के नजरिए से अगर हम देखें तो कंपनियों को सबसे पहले सामान्य होना पड़ेगा। उतना ही नहीं, बाजार में उत्साह तो कंपनियों के बढ़ती आमदनी पे होता है। जब कंपनियों के अर्निंग्स बढ़ते हैं और बाजार उसका पीछा बहुत रफ्तार से करता है, आपने देखा होगा कि वो सारी कंपनियां जो कि बहुत रफ्तार से बढ़ रही थी और उनके बारे में आशंका हुई, वहां पे 50-60-70% की गिरावट देखी गई है। और उन कंपनियों में वापस कब ग्रोथ आएगा, कब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दिखेगा, कब वो वही पुरानी वाली स्थिति के पे वापस आ पाएंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है।